वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमैम। बच्चों, आज हम लोग महाभारत में कर्ण के बारे में जानेंगे। पांडवों और कौरवों ने पहले कृपाचार्य जी से और बाद में द्रोणाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य जी ने उनकी निपुणता का समाचार जब भीष्म को सुनाया तो उन्होंने एक बड़े समारोह का आयोजन किया जिसमें सारे नगरवासी निमंत्रित किए गए। राजकुमारों का कौशल देखने के लिए दूर दूर से नगरवासी आए। इस प्रकार से वहाँ पर काफी भीड़ थी। प्रत्येक राजकुमार अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता था। सबसे पहले भीम और दुर्योधन के बीच में मल्लयुद्ध हुआ। दुर्योधन भीम को हमेशा नीचा दिखाना चाहता था, उससे हिंसा रखता था, उससे द्वेष की भावना रखता था, वह मन ही मन उससे जलता था। इसलिए उसने नकली मल्लयुद्ध को असली मल्लयुद्ध में बदल दिया, यानी वह भीम के प्राण लेने के लिए तैयार हो गया। नकली युद्ध को असली युद्ध में बदलते देखकर द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा बीच में आए और उन दोनों को अलग किया। उसके बाद अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाया। उसने एक तीर धरती पे मारा तो आग बरसने लगी, दूसरा तीर आसमान की ओर मारा तो वर्षा होने लगी। उसके इस कौशल को देख के सारे लोग जय जयकार करने लगे, उसकी जय जयकार होने लगी। उसे श्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि मिलने वाली ही थी। तभी वहां पर खम ठोकता हुआ एक रूपीला सजीला युवक प्रकट हुआ। उसने कहा, पहले अर्जुन का मेरे से मुकाबला करवा दीजिए, उसके बाद उसे श्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि यदि देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन मुझसे द्वंद युद्ध किए बिना उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता, यानी उसे श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं कहा जा सकता। मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। सभा में आए अनजान नवयुवक को देख के अर्जुन ने कहा, जो सभा में बिन बुलाए आते हैं और बीच में बोलते हैं, ऐसे लोग सम्मान का पात्र नहीं है। तब कर्ण ने कहा, यह समारोह सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, साधारण प्रजाजन के लिए भी है। अर्जुन और कर्ण के विवाद को रोकते हुए कृपाचार्य जी ने कहा, हे नवयुवक, पहले तुम अपना परिचय दो, क्योंकि राजकुमार बिना परिचय जाने द्वंद युद्ध नहीं कर सकते। यह सुनकर कर्ण ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम कर्ण है, मेरे पिता का नाम अधिरथ है, वे सारथी हैं। यह सुनकर कृपाचार्य जी ने कहा कि द्वंद युद्ध बराबर वालों के साथ होता है, तुम ठहरे सूत पुत्र, तुम्हारे साथ इन राजकुमारों का द्वंद कैसे हो सकता है। इतना सुनते ही दुर्योधन क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कहा, कर्ण मेरा मित्र है और मैं इसे आज ही अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अपने बेटे को राजा बना देकर अधीरथ से रहा नहीं गया, वह लाठी ठोकता वहां पर पहुंच गया और अपने बेटे को गले लगा लिया। जैसे ही पिता ने अपने बेटे को गले लगाया, उसका मजाक उड़ाते हुए भीम ने कहा, सूत पुत्र, धनुष बाण छोड़ दो, चाबुक लो चाबुक, यही तुम्हारा काम है और यही तुम्हें शोभा देता है। भीम के कटु वचन सुनकर कर्ण क्रोध में उबलने लगा। सभा में खलबली मच गई। तभी सूर्यास्त हो गया और समारोह समाप्त हो गया। लेकिन कर्ण के मन में हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाने की भावना पनपने लगी। इस घटना के कुछ वर्षों के पश्चात इंद्र ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास आए और उससे उसके जन्मजात कवच और कुंडल मांगने लगे। कर्ण को उसके पिता ने पहले से ही सूचना दे दी थी कि इंद्र तुम्हारे कवच और कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण वेश में आएगा, तुम उसे अपने कवच और कुंडल मत देना, क्योंकि कवच और कुंडल जब तक तुम्हारे पास रहेंगे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पिता के सावधान करने के बावजूद भी जब इंद्र कर्ण के सामने ब्राह्मण वेश में आए और उन्होंने कवच और कुंडल मांगे तो कर्ण ने सहर्ष उन्हें दे दिए। कर्ण की इस दानवीरता को देखकर इंद्र प्रसन्न हो गए और उनसे एक वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अपना शक्ति अस्त्र मुझे दे दीजिए। यह कहकर उसने इंद्र से शक्ति अस्त्र मांगा। इंद्र ने अपना शक्ति अस्त्र देते हुए कर्ण से कहा, तुम जिसको भी लक्ष्य करके इसे चलाओगे वह युद्ध में तुरंत मारा जाएगा और उसके बाद में यह अस्त्र मेरे पास आ जाएगा। यह कहकर इंद्र ने कर्ण को अपना अस्त्र दे दिया।
कर्ण यह अपना अस्त्र अर्जुन पर अजमाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्योधन के आदेश पर कर्ण को यह अस्त्र भीम के पुत्र घटोत्कच पर अजमाना पड़ा और घटोत्कच की मृत्यु। जैसे ही उसने यह अस्त्र घटोत्कच पर अजमाया, घटोत्कच तो मर गया और यह अस्त्र पुनः इंद्र के पास चला गया। इस प्रकार इस अस्त्र से कर्ण अर्जुन से बदला नहीं ले सके, उन्हें नहीं मार सके। धनवीरता के संबंध में कर्ण की एक और कहानी प्रसिद्ध है। जब वे युद्ध भूमि में घायल अवस्था में पड़े थे, इंद्र ने देखा आज तो उनके पास कुछ भी नहीं है। वे अपने साथी को लेकर रूप बदल के ब्राह्मण के रूप में फिर से कर्ण से भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्हें पता था कि आज कर्ण के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कर्ण को नीचा दिखाना चाहते थे। जब इंद्र और उनके साथी ने भिक्षा मांगी तो कर्ण ने घायल अवस्था में अपनी आंखें खोली और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके उनसे कहा, युद्ध भूमि में वह पड़ा पत्थर मुझे दे दीजिए। यह सुनकर इंद्र ने कहा क्या तुम आज दान में पत्थर देने वाले हो। यह सुनकर कर्ण मन ही मन मुस्कुराया और इंद्र की तरफ देखते हुए पत्थर हाथ में लिया और पत्थर हाथ में लेकर उसने अपने मुंह में लगे दांत पे मारा। जैसे ही पत्थर दांत पे लगा, दांत टूटकर हाथ में आ गया। दांत सोने का बना हुआ था। उसने वह दांत इंद्र को देना चाहा, लेकिन इंद्र ने यह कहकर ठुकरा दिया कि यह तो मांस और खून से सना हुआ है। हम भला ऐसी भिक्षा क्यों ले। यह सुनकर कर्ण ने फिर एक तीर धरती पे मारा और जल की धारा निकल गई। कर्ण ने अपना सोने का दांत उस जलधार में धोया और उन ब्राह्मण देवताओं को यह दान ग्रहण करने का आग्रह किया। उसकी इस दानवीरता को देखकर इंद्र और उसके मित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें दानवीरता के लिए सदा सदा के लिए सभी लोग याद करेंगे। तुम्हारे से बड़ा दानवीर न तो इस धरती पर हुआ है न ही होगा। इस प्रकार से इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए हम सब कर्ण को कर्ण के नाम से नहीं, दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। शिक्षा दीक्षा के संबंध में भी कर्ण से संबंधित एक रोचक कहानी है। एक बार कर्ण को ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई। वे परशुराम जी के पास गए, लेकिन परशुराम जी ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने सोच विचार कर उनसे झूठ बोला। कर्ण ने अपना परिचय ब्राह्मण पुत्र के नाम से दिया। यह सुनकर परशुराम जी उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाने लगे। उनसे शिक्षा दीक्षा उसने अच्छी तरह ग्रहण की, लेकिन एक दिन कुटिया में जब उनकी जांग पर परशुराम जी सर रख कर सो रहे थे, तभी एक काला भौंरा वहां पर आया और कर्ण की जांग में घुसकर उसे काटने लगा। लेकिन कर्ण ने अपनी जांग को न हिलाया न डुलाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था उसके कष्ट के कारण परशुराम जी की नींद टूटे। उसने उस पीड़ा को सहन कर लिया। काला भौरा निरंतर काटता जा रहा था, लहू की धार ने जब परशुराम जी की देह को भिगो दिया तो उनकी नींद टूट गई। इस प्रकार से कर्ण को लहूलुहान देखकर परशुराम जी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ब्राह्मण के पास इतनी सहन शक्ति नहीं होती है। वे तुरंत ही भाप गए कि यह क्षत्रिय पुत्र है और इसने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन वे सच्चाई कर्ण के मुंह से सुनना चाहते थे। कर्ण ने भी सच्चाई कबूल की और उसने बताया कि वह सूत पुत्र है। तब परशुराम जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने छल बल से मेरे से विद्या ग्रहण की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी विद्या भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारा रथ का पहिया भूमि में धस जाएगा। परशुराम जी का यह श्राप झूठा नहीं गया। उसे जीवन भर ब्रह्म अस्त्र की विद्या याद थी, लेकिन अंतिम क्षणों में वह भूल गया। अर्जुन से युद्ध करते समय वह अपनी ब्रह्म अस्त्र की विद्या भूल गया। कर्ण जानता था दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी उसने अंतिम सांस तक अपनी मित्रता निभाई। भीष्म और द्रोणाचार्य के बाद में उसने 2 दिन तक सेनापति की अच्छी तरह से भूमिका निभाई। उसने अच्छी तरह से युद्ध संचालन किया, लेकिन श्राप वश जब उसके रथ का पहिया भूमि में धस गया तो वह अपने धनुष बाण रखकर रथ का पहिया निकाल रहा था
तभी उस महारथी पर अर्जुन ने अपने तीरों का प्रहार कर दिया और उसके जीवन का अंत कर दिया। कुंती ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना तो वह शोक में डूब गई। उसने उससे रहा नहीं गया। माता कुंती ने अपने पांचों पुत्रों को अपने मन की व्यथा बताई। उसने बताया कि वह कर्ण और कोई नहीं तुम्हारा भाई था। कुंती से सारी बात सुनकर पांचों पांडव शोक में डूब गए, लेकिन युधिष्ठिर मन ही मन सोचने लगे, अनजाने में ही सही, लेकिन भाई के हाथों भाई का वध हुआ है और इसका सारा दोष उनकी माता का है। इसलिए युधिष्ठिर ने न केवल कुंती को बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप देते हुए कहा, आज के बाद स्त्रियों के पेट में कोई भी रहस्य की बात नहीं टिकेगी। वे रहस्य की बात किसी न किसी को अवश्य बताएगी। उनके पेट में कोई भी बात नहीं पचेगी। तब से स्त्री जाति इस श्राप से श्रापित है और उनके पेट में किसी प्रकार की कोई बात नहीं पचती। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि महापुराणों और महान कथाओं के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।